पूनम मेरी जान, जाने मन आज तो पहले से ही तैयार हो गई। हाय, आज तो मजा आएगा। अर्जुन जी सर, मुझे लगता है कि इन पर कोई भारी चीज से वार किया गया है। सर देखकर तो मुझे भी लगता है एक मोटे डंडे का इस्तेमाल किया गया है। शर्मा जी, आपको किसी पे शक है? नहीं सर, सब किस पे करूँगा। इनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? हाँ, लड़ाई झगड़ा वो तो उसका रोज का काम था। जुआ खेलना, शराब पीना, शराब पी के झगड़ा करना, ये तो रोज का काम था, कोई नई बात नहीं थी। सर मैंने उसे बहुत समझाया, ये सब छोड़ दे, शादीशुदा है, अपना परिवार संभाल, लेकिन इसने मेरी कभी नहीं सुनी। बस गलत लोगों की संगत में रहकर खुद भी वैसा हो गया। ये आप ही के साथ रहते हैं? नहीं सर, ये हमारे पास में ही रहते हैं। वो कभी भी शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता यहाँ आ जाता था। सर ये आपका कौन लगता है? ये सर मेरी बड़ी बेटी के पति हैं, मेरा दामाद। तो इस वक्त आपकी बेटी मेरा मतलब है कि इनकी बीवी कहाँ है? सर वो तो 2 साल पहले ही कैंसर के शिकार हो गई थी। सॉरी अर्जुन जी। सर एम्बुलेंस का कॉल करो। जी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। और घर की अच्छी तरह छानबीन करो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, हमें एक भी सुराग छोड़ना नहीं है, और खास करके वो हथियार जिससे इसके सर पे वार किया गया है, यहीं कहीं आसपास ही होगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ और कॉल करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस? हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इस वक्त इतनी रात को? जी। पैर हटाओ। हाय क्या चिकनी कमर है। हाय हाय क्या बल खा रही है नागिन के जैसी। हाय हाय हाँ जीजू क्या बदतमीजी है ये। सुबह से देख रही हूँ मैं आपको। शिकायत करूंगी मैं आपके पापा से। तो कर दो ना। हाँ ये थप्पड़ मार कर अच्छा नहीं किया तूने। और किया ही क्या था मैंने। गलती से हाथ ही तो लग गया था। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। नमस्ते बाबूजी। अरे दामाद जी बैठिए, अच्छे लग रहे। शुक्रिया। कहिए क्या बात है। बहुत दिन से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ तो करो। देखिए जब से आपकी बड़ी बेटी शांत हुई है मेरी पत्नी, तब से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, आप तो जानते ही हैं। और मेरा किसी काम में मन भी नहीं लगता है। बहुत अकेलापन सा फील करता हूं। तो सोच रहा था कि मैं शादी कर लेता हूं। अच्छी बात है, शादी कर लो, लाइफ सुधर जाएगी। तो आपसे एक बात करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो जी। पूनम की भी शादी की उम्र हो चुकी है तो, और मुझे वो पसंद भी है। तो मैं सोच रहा था कि घर की बेटी घर में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और वो यहीं के यहीं आपकी तबीयत का ख्याल भी रखेगी और मेरा भी ध्यान रखेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। जी बाबूजी, मैं पूनम से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें उसके लिए लड़का देखना चाहिए था। तुमने अपने आप को पेश कर दिया मेरे सामने। वो तुम्हें बड़ा भाई मानती है, तुम्हारी इज्जत करती है। देखिए बाबूजी, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कहा। पूनम किसी ना किसी घर तो जाएगी, क्यों ना घर की बेटी घर में ही रहे। मैंने कहा ना, ना तो ना। मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझ कर बोलता हूँ। एक बार और सोच लो। मैंने सोच लिया, चलो यहाँ से। मुझे इस मामले में और दोबारा बात नहीं सुननी है। भाऊजी आउट। कमीना। पूनम बेटा। जी पापा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। यहाँ मैं तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई ना, इसलिए। मुझे शादी नहीं करनी पापा। कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती बेटा, लेकिन मन में लड्डू फूटते हैं। अच्छा सुनो, कल मेरे दोस्त का बेटा विकास तुम्हें देखने आ रहा है, और अच्छी तरह से स्मार्ट बनकर, खूबसूरत बनकर तैयार रहना, ठीक है? मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है। हाँ, वैसे तो कोई भी बेटी छोड़ के नहीं जाना चाहती। तुम्हारी दीदी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चली गई ना। नहीं करनी। अच्छा अच्छा अच्छा। और विकास, प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए। पूछिए, कुछ पूछना हो तो। नहीं, मुझे नहीं पूछना कुछ भी। आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? आई थिंक नहीं होगा जी। मेरी एक गर्लफ्रेंड होते होते रह गई। वो कैसे? मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन जब मैं उसे प्रपोज करने गया तो पता चला कि उसका कोई और ही बॉयफ्रेंड था। फिर उसके बाद किसी से प्यार नहीं हुआ और ना कोई पसंद आई। बस इतना ही। और कुछ बताइए अपने बारे में, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं मुझसे। नहीं, मेरे बारे में कुछ खास नहीं है, स्कूल, घर, बस। अगर होता भी तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपकी सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो हम अब चलें या कुछ और बातें करनी है? ठीक है जी, चलिए। पक्का जी। वैसे एक बात कहूँ? जी। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। तो हम चलें? जी। तो मैं हाँ समझू ना? ना। आपको नहीं पता लड़की की ना में ही हाँ होती है। जीजू आप मिलकर आ गई अपने आशिक से, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। देख, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, तो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। चाहे तेरी शादी कहीं भी हो जाए, मैं तेरा लास्ट टाइम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? ये पागल हो गए हैं? दारू पी रखी है? रुक, तेरे थप्पड़ का हिसाब अभी बाकी है, भूला नहीं हूं मैं। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हो? खाना नहीं खाना है? सुबह सुबह खाना कौन खाता है? तो नाश्ता कर लो। तो करा दो। हाँ? हाँ? पराठा? ये पराठा हम बाद में खाएंगे, पहले अपना पराठा तो खा लें। मम्मी देख लेंगी। अरे मम्मी होगी तो देखेगी ना। कहाँ? मम्मी नहीं है। कहाँ गई? मम्मी मंदिर गई है। ओ, इसलिए इतने रोमांटिक हो रहे हो? तो नहीं हो सकता क्या? तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो पड़ोसन के साथ करूँगा क्या? अरे क्या जीजू, बैठो। अरे आइए भाई साहब, नमस्ते। आइए आइए, जाओ। लगता है गलत टाइम। अरे नहीं नहीं, आइए बैठिए ना। जाओ कुछ लेकर आओ। कैसे हैं? बस बढ़िया। बैठिए। और भाई साहब कैसे आना हुआ आपका? वो पूनम को पग फेरे के लिए लेने आया हूँ। वैसे तो उसका भाई आता है इस रस्म के लिए, लेकिन क्या करें, पूनम का कोई भाई नहीं है ना। तो मुझे आना पड़ा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन पापा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी। हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हो। हाँ। पर घर में मम्मी भी तो नहीं है ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? उनकी टेंशन तुम मत लो, तुम भाई साहब के साथ चली जाओ, रेडी हो जाओ, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। लेकिन ये जो तुम्हारा वीडियो है ना, इंटरनेट पे डाल दूंगा और फिर पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें बिना कपड़ों के। और फिर तुम्हारा जो पति विकास, वो तो तुम्हें छोड़ ही देगा और फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। जीजू प्लीज ऐसा मत करो, मैं विकास से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। अब जो बोलोगे मैं करूँगी। करोगी? हाँ। ये हुई ना बात, लो कर दिया। हाँ। चले। कर दूंगा। और इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। आप बिल्कुल झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, पंकज का कत्ल मैंने किया है। पापा? क्या क्या आप? पूनम बेटा, पूनम, पूनम क्या हुआ? पापा, जीजू मेरे साथ गलत काम करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं पापा, ये क्या कर रहे हैं? उसके पास मेरा वीडियो है कपड़ा बदलते टाइम का। अगर आप पुलिस को फोन करेंगे तो वो इंटरनेट पे डाल देगा। क्या किया? हेलो हेलो पंकज बेटा, बेटा मैं घर पे नहीं हूँ, पूनम को बाजार जाना है कुछ सामान लेने के लिए। तुम चले जाओगे इसके साथ? कब? अभी। हाँ बाबूजी, जरूर आता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी ब्लैकमेल करेगा, ले ये ले। हेलो पुलिस स्टेशन? सर, मेरे दामाद का किसी ने खून कर दिया है, आप जरा जल्दी आइए। शर्मा जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको एक बार पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी। पुलिस आपकी मदद जरूर करती। पापा, एक बार मुझसे तो कहा होता, मैं तो आपका बेटा था ना। अरे बेटा। अर्जुन। जी सर, ले चलो। चलिए शर्मा जी। बेटा पूनम, बेटा पूनम का ध्यान रखना।